क्या हाल चाल है आप सबके। और आज 2 दिन के बाद हो रहा है वलीमे का व्लॉग अपलोड। और 2 दिन क्यों लग गए, मुझे इतना टाइम क्यों लग गया? वो टाइम इसलिए लगा है क्योंकि भाई मैंने जो ना इसकी एडिटिंग नहीं कर रखी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी। और मैं मसरूफ़ किस क्यों थी और क्या मसरूफियात है मेरी ज़िंदगी में आजकल जो चल रही हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता लगती रहेंगी। तो खैर, आज जो है वलीमे का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वलीमे के स्टार्ट से पहले जो ना मैं आप लोगों को शुरू में बता दूं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही हैं कि मैंने अपनी जो है मायू मेहंदी का व्लॉग अपलोड क्यों नहीं करा। तो इसकी जो वजह है वो बहुत ही बुरी और बहुत ही ख़तरनाक वजह है, और वो ये थी कि जो मेरी मायू मेहंदी की जो सीडीज़ हैं ना, वो हो गई हैं मिसप्लेस। और अम्मी वालों के घर की वो वीडियो बनी हुई थी, लेकिन वो सीरीज़ मिल नहीं रही है क्योंकि अम्मी वालों ने जब घर शिफ्ट करा था ना अपना, तो वो जब ही जो है ना गायब हो गई थी। और इसी डर की वजह से मैंने अपनी शादी के जो है ना इस वीडियो को सेव कर लिया है अब यूट्यूब पे, और अब मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गई हूँ कि भाई अब ये वीडियो जो है ना कहीं जाने वाली नहीं है। तो खैर, यहाँ पर देखिए वलीमे का स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर रिसेप्शन पर मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, उनके मामू ताया सारे के सारे खड़े हुए हैं और वेलकम कर रहे हैं आने वाले मेहमानों का। तो अभी जो मेहमान आ रहे हैं मेरे हस्बैंड वालों की तरफ के, अभी अम्मी वाले जो हैं आए नहीं हैं, उनका ही बस वेट हो रहा है। तो अपने वलीमे पर मैंने पहनी थी टीपिंग कलर की फ़्रॉक, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी और बहुत मुझे अच्छा इसका काम वगैरह, इसका कलर जो था वो सब कुछ बहुत अच्छा लगा था ओवरऑल। और मेकअप भी काफ़ी अच्छा हुआ था। अच्छा, मेकअप आप लोगों ने पूछा था कि मैंने दोनों दिन मेकअप कहाँ का करवाया था, तो मैंने बारात वाले दिन जो है गज़ालास पार्लर जो कि कैंट की तरफ है वहाँ से करवाया था, और वलीमे वाले दिन जो है मैंने डायना ब्यूटी पार्लर से करवाया था। तो दोनों ही लुक मेरी काफ़ी डिफरेंट थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वलीमे में आप लोग मुझे देखेंगे तो मैं बिल्कुल चेंज लग रही थी, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएगा कि मैं जो है वलीमा लुक जो थी मेरी कैसी थी और ये कलर मुझ पर सूट कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जो है ना अभी बस मेहमान वगैरह आ रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात सोच रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जब उस टाइम पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री काफ़ी सिंपल तरीके से होती थी, जैसे आजकल देखने में आता है ना कि वो आतिशबाजी और ये वो हो रहा होता है और दूल्हा दुल्हन आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर ऐसा कोई सीन नहीं होता था और काफ़ी जो है ना बस अच्छे बच्चों की तरह बस दूल्हा दुल्हन आ जाते थे। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या वो डांस हो रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है। खैर, यहाँ पे मेरी अम्मी और मेरी सास बैठी हुई हैं, और दोनों का जो रिलेशन था ना वो बहुत ही मोहब्बत वाला और काफ़ी ज़्यादा जो रिस्पेक्टफुल था, क्योंकि मेरी सास जो है ना वो मेरी अम्मी को इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी, और वो हमेशा ये कहती थी कि मुझे जो है ना शबाना से अपनी बहनों से ज़्यादा मोहब्बत है, यानी कि मेरी अम्मी का नाम शबाना है, तो वो मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यहाँ पे आप लोग सदा भाजी को देख रहे हैं, और लाइबा यहाँ पर बहुत छोटी थी इसलिए वो साथ नहीं आई थी, और वो अपनी दादी के साथ घर पर थी। आई थिंक वो 1 महीने या 2 महीने की ऐसी थी। और यहाँ मेरी दोनों मामे भी बैठी हुई हैं, तो मामू मेरे आज जो है नहीं आ सके थे क्योंकि बारात वाले दिन भी वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके आए थे, लेकिन वलीमे में उनकी हिम्मत नहीं हो सकी, तो बस जो है ना मेरी मामी यहाँ पे बैठी हुई हैं। और दोनों मामियाँ मेरी एक थर्ड नंबर की हैं और एक जो है सेकंड नंबर की हैं। और ये वाली जो मामी है जिनको मैं अभी दिखा रही हूँ, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो जब आप अपनी पुरानी कोई वीडियोज़ या इस तरह की कोई देख रहे होते हो ना, आपको एहसास होता है कि इतने वक्त में जो ना कितना सब कुछ बदल गया है, और जितने लोग हमारे आसपास होते थे वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो खैर, ये एक मेमोरी होती है, आप काफ़ी चीज़ें जो है अपनी मिस कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। और ये मेरी कज़न्स आई हुई थी कराची से, जो मेरे सबसे बड़े मामू हैं, उनकी बेटियाँ हैं और साथ में उनकी बहू भी बैठी हुई है, लेकिन इनके हस्बैंड इस टाइम पर नहीं थे क्योंकि वो दुबई में होते थे और ये यहाँ पर थी। खैर, ये मेरी शादी के तकरीबन 2 महीने बाद जो है ना फिर ये भी दुबई चली गई थी, और आज ये दुबई में ही होती हैं, और ये बाकी सारी उनकी बेटियाँ वगैरह बैठी हुई हैं।
और ये जो है मेरे ससुराल की तरफ से हैं, यानी कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी भतीजी हैं। तो ये रिश्ते में मेरी एक तरह से नंद ही लगी, क्योंकि मेरी एक्चुअल नंद तो कोई है नहीं, तो ये रिश्ते में ही जो है मेरी नंद लगी। और साथ में इनके हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह सभी आए हुए हैं। और अब हो चुका था डिनर टाइम। तो बारात में जो हमारे मेहमान नहीं आ सके थे, तो वलीमे में वो लोग आ गए हैं। और पापा के साथ टेबल पे बैठ के जो खाना खा रहे हैं ना, वो सारे हमारे पंजाब के ही मेहमान आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जो बैठे हुए हैं ना, सारे हमारे पंजाब के हैं। खैर, पापा के बराबर अरशद भाई बैठे हुए हैं, जिनको आप जानते हैं, लेकिन बाकी जो है ना सारे हमारे पंजाब के मेहमान थे। तो यही होता है कि कोई भी इतनी दूर से आता है तो सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से ही आता है, आपको इज़्ज़त देने के लिए ही आ रहा होता है। बाकी तो खैर कोई ऐसी बात नहीं होती। और हम भी अगर कहीं किसी के जाते हैं तो हम भी बस मोहब्बत की वजह से ही जा रहे होते हैं, और इज़्ज़त कोई इज़्ज़त से बुलाता है तो हम जा रहे होते हैं। खैर, अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने जो बारात और वलीमे में ज्वेलरी वेयर करी थी ना, ये मेरी गोल्ड की थी, और अम्मी ने मुझे दोनों दिन ही जो है गोल्ड के सेट पहनाए थे। तो बारात वाले दिन जो है मैंने अपने ससुराल का जो है सेट पहना था, और वलीमे वाले दिन यानी कि अभी जो मैंने पहना हुआ है ये मैंने अम्मी के यहाँ का सेट पहना हुआ है। बाकी टीका झूमर मैंने दोनों दिन एक जैसा ही लगाया था। और ये मेरी खलिया सास हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक इनको भी जन्नत में जगह दे। और बाकी ये मेरी छोटी खलिया सास है, तो दोनों खलिया सासों ने सेम मैचिंग की हुई है, शॉकिंग पिंक कलर का जो है दोनों ने सूट पहना हुआ है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सभी का जो है ना फोकस पिंक पर हो रहा होता है वलीमे वाले दिन, और बारात वाले दिन जो है ना सब थोड़ा सा रेड पे और मैरून पर पहन रहे होते हैं। तो शायद हो सकता है कि ये महज एक इत्तेफाक होता हो, या फिर शायद सब मैचिंग करते हैं इस तरह की। लेकिन अभी आजकल जो चल रहा है फैशन, थोड़ा सा लाइट पर चल रहा है और थोड़े लाइट कलर्स पहन रहे हैं लोग। अभी यहाँ पे पापा बैठे हुए, पापा ने वही सेम जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बारात में भी पापा ने वाइट पहना था और वलीमे में भी वाइट पहना था। और बाकी अंबर की जो फ्रॉक थी हम लोगों ने वलीमे की, ये हम लोगों ने रेडीमेड ली थी, इसीलिए हम लोगों को बाद में काफ़ी पछतावा हो रहा था कि यार हमने इतनी मेहनत करके इसका बारात का ड्रेस हमने तैयार करवाया था और ये फ्रॉक हमें इतनी अच्छी मिल गई थी। इसका कलर जो है ना, अभी वीडियो में आप लोगों को थोड़ा शार्प लग रहा होगा, लेकिन कलर वैसे ही काफ़ी अच्छा सा था। बाकी अम्मी ने जो है अपना मेकअप पार्लर से करवाया था, और पार्लर वाली ने अम्मी का मेकअप काफ़ी अच्छा किया था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि ये रियल में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, वीडियो में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो वीडियो में थोड़ी कम लग रही होती हैं और रियल में कुछ ज़्यादा ही लग रही होती है, तो रियल में तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं कहती हूँ कि इस तरह के जब ओकेजन आपके घर के होते हैं ना, तो आपको पार्लर से ही रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़तबड़ हो रही होती है, आप रेडी हो ही नहीं पाते उस तरीके से जैसे कि आप पार्लर से तैयार होकर आ जाते हो। तो बस यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है, और मोहसिन और ने जो है पेनकोट वेयर करे थे, बाकी बारात में इन लोगों ने कुर्ता शलवार मैंने आप लोगों को दिखाया था कि दोनों ने वो पहने थे। तो सबकी थीम यही होती है कि बारात में जो है ना लोग कुर्तों की तरफ और शेरवानियों की तरफ जाते हैं, और वलीमे वाले दिन जो है ना लोग पेनकोट पर पैंट शर्ट वगैरह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं एक छोटी सी बात करूँगी कि शादी का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही अल्लाह ताला ने खूबसूरत बहुत ही हसीन रिश्ता बनाया है, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम इस रिश्ते को किस तरह से निभा रहे होते हैं। लेकिन ये रिश्ता जो है दोनों की तरफ से ही अच्छा निपटता है, तो तभी जो है ये रिश्ता परवान चढ़ता है, और दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अपनी अपनी जगह, मर्द को भी करने पड़ते हैं, औरत को भी करने पड़ते हैं। और मेरी बात से बहुत ज़्यादा लोग इस बात से एग्री करेंगे, मैं समझ सकती हूँ, जितने भी मैरिड लाइफ गुजार रहे ना तो वो सब एग्री करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ हर कोई अपनी ज़िंदगी में करता है, औरत भी करती है, मर्द भी करता है। ये बात कोई कह ही नहीं सकता कि भाई हमने तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है। तो ज़िंदगी अगर हसीन बनानी है तो दरगुजर का मामला रखना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ रखना करना पड़ता है, और अपना जो है बस थोड़ी सी बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। बाकी ये रिश्ता अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया, और अल्लाह पाक रिश्ते से जो है खुश भी बहुत होता है। और जब रिश्ते में कोई दरार पड़ती है, कोई भी लड़ाई वगैरह चलती है, तो शैतान बड़ा खुश होता है। बाकी अल्लाह पाक की नाराज़गी बहुत ज़्यादा होती है जब भी मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं या कोई ऐसी बात हो रही होती है। तो खैर, अल्लाह पाक सबके घरों में सुकून दे, सबके घरों में अमन दे, और सबके रिश्तों में जो है इख़लास भी दे और ख़ूबसूरती भी दे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर बस मेरे जो है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरा देवर जो है वो साथ में बैठ के फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। मेरी सास ने भी जो है साड़ी वेयर करी थी जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, और इन्होंने जो सी ग्रीन के ऊपर
जो है कलर है साड़ी का, जो कि अच्छा लग रहा था वलीमे के हिसाब से, कलर अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी सास ने जो है बारात में मैरून कलर का सूट पहना था और वलीमे में जो है सी ग्रीन पहना था, दोनों दिन के जो कलर थे वो चेंज हो गए थे जो कि अच्छे लग रहे थे। और अब यहाँ पर मेरे जेठ जिठानी बैठ गए थे और इनका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो बच्चे जो है ना इस तरह की महफिलों को काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं बच्चों को पता लग जाता है कि हमारी अम्मा जो है ना अब तैयार हो गई हैं तो अब बस हमें इनको तंग करना है। तो ऐसा होता है ना, इस तरह से होता है, इसीलिए जब इनके छोटे बच्चे होते हैं ना उनको काफ़ी सोच समझ के कपड़े पहनने होते हैं। और मैंने अभी तक, जब से मेरे बच्चे हुए ना, मैंने अभी तक इसीलिए साड़ी पहनी ही नहीं है, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे तो बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर ये होता है कि बच्चे थोड़ा से बड़े हो जाते हैं ना, फिर थोड़ा सुकून का सांस लेना पड़ता है और फिर इंसान थोड़ा सा अपने बारे में सोचता है। बाकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको कपड़ों को भी देखना होता है कि कोई ऐसा काम ना हुआ हुआ जो बच्चों को चुपके जो है ना उनको डैमेज कर दे, बच्चे ज़ख्मी हो जाएँ, तो ऐसा होता है। अच्छा, कोई भी बात अगर ऐसी होती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिलें आप लोगों से, कि मुझे पता लगे कि ये जो सोच है वो सिर्फ मेरी है या फिर सभी ऐसा सोचते हैं। तो कोई भी बात होती है जो आपको समझ में आती है, जो नहीं भी समझ में आती तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अच्छा, यहाँ पर बस अभी मेरे सेकंड नंबर की जो जेठ हैं वो बैठी हुई हैं, उनकी बेटी बैठी हुई है जो कि काफ़ी खामोशी से बैठी हुई है, और उनकी वाइफ बैठी हुई है। तो बस सबके फ़ोटोशूट यहाँ पर चल रहे हैं बराबर बराबर से, क्योंकि होता है ना कि बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि भाई सबके जो है ना एक जैसे फ़ोटोशूट हो, कोई भी नाराज़ ना हो, किसी का भी मुँह ना बने इस बारे में। मेरे सेकंड नंबर के ताया है, जिनको आपने मेरी भी वीडियो में देखा होगा और अक्सर आप अम्मी की वीडियो में भी देखते रहते होंगे, तो ये ताया भी मेरे कराची से आए हुए थे। और ये जो है मेरी बड़ी खले सास की बेटी हैं, जिनकी जो है डिलीवरी केस के अंदर डेथ हो गई थी और काफ़ी यंग एज में डेथ हुई थी, तो अल्लाह पाक बस इनको भी जन्नत में जो है जगह दे। और बस यहाँ पर जो है ना मैंने अब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड की कुछ सेलेक्टेड तस्वीरें जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो मैंने सोचा कि चलो अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी जो है इसको देखें और इंजॉय करें। तो खैर, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।